बहुत पुरानी बात है, एक गांव में मोहन नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसका बेटा सोहन भी रहता था। सोहन जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां तोड़ता और उसे बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन जब मोहन और उसका बेटा जंगल जाने वाले थे, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गया। उसके बेटे सोहन ने उसे घर में ले गया। मोहन को लकवा मार गया था, जिस कारण वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। सोहन ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर कुछ ना हुआ। राजू से अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन उसके दोस्त ने कहा, देखो तुमने इतने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर तू मेरी मानेगा तो मेरी जान पहचान के एक पहुँचे हुए बाबा है, जो कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेगा। उसके दोस्त की बात सुनकर सोहन उस संत बाबा के पास गया और बोला, संत महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सोहन बोलता है, मेरे पिताजी की हालात कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत इलाज कराया, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। संत बोलता है, अगर तुम तुम्हारे पिताजी को ठीक करना चाहते हो तो पश्चिम दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में जाकर तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, जिससे तुम्हारे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। संत की बात सुनकर सोहन खुश हो गया। तभी संत बोला, जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं है बच्चे। उस जंगल में एक मायावी भयानक राक्षस रहता है। वह तुमसे कुछ पहेलियां पूछेगा और अगर तुमने उन पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो वह जड़ी बूटी दे देगा, नहीं तो तुम्हारे पिताजी कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। संत की बात सुनकर सोहन अकेला ही उस जंगल की ओर चल पड़ा। सोहन बहुत आगे चला, फिर उसको कुछ दूर वह राक्षस दिखाई दिया। सोहन उसके पास गया और बोला, क्या आपके पास कोई जड़ी बूटी है? क्या आप मुझे वह दे सकते हो? मेरे पिताजी बहुत बीमार है। तभी मायावी राक्षस बोला, बच्चे मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेरे पास आने का साहस हर किसी में कहाँ। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाग देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी तीन पहेलियों का जवाब देना होगा, तभी तुम जड़ी बूटी ले जा सकते हो। राजू, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं मेरे पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पूछो पूछो तुम्हारी पहेलियाँ। तभी राक्षस ने पहली पहेलियाँ पूछी। अगर तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हारे पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया है, तो तुम सबसे पहले क्या जलाओगे? सोहन सोचने लगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ, मैं सबसे पहले माचिस जलाऊंगा। बहुत खूब बच्चे, अब दूसरी पहेली। एक ऐसा सवाल बताओ जिसका कोई भी जवाब हाँ में नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा सवाल कौन सा हो सकता है? हाँ हाँ, पता चल गया, वो सवाल है, क्या आप मर गए हो? बहुत बढ़िया बच्चे, एक आखिरी सवाल, फिर तुम जादुई जड़ी बूटी ले जा सकते हो। वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते मगर फिर भी खाते हो? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे खाकर दोबारा खाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी खाना चाहते हैं? अच्छा अच्छा यह तो बहुत ही सरल सवाल है। धोखा। धोखा एक ऐसी चीज है जिसे एक बार खाने के बाद खाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। बच्चे तुमने मुझे खुश कर दिया, लो अब तुम जड़ी बूटी ले जा सकते हो और अपने पिताजी को ठीक कर सकते हो। सोहन ने उसे शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। घर आते ही उसने तुरंत जड़ी बूटी अपने पिता को खिलाई और तुरंत ही सोहन के पिता ठीक हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता के लिए जो संभव है वह करना चाहिए, चाहे उसमें लाख संकट क्यों ना हो।